तीन दिन का पानी है, स्टोर पानी, जब चिकनाई आ जाए तब पानी डालना चाहिए एक्वेरियम में। ये क्या डाले आप? नमक। नमक क्यों डाला था? इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, इन्फेक्शन वगैरह पानी में नहीं होता है। हाँ, बड़ा एक्वेरियम अपना, एक्वेरियम 4 फीट का, 4 फीट का एक्वेरियम है पूरा, 8 mm के शीशे में, 8 mm के शीशे में। ये टेढ़ा इसको यहाँ से इसमें लगा देंगे, तुम्हारा देखिए बबल्स आने लगे इसमें, इसका मतलब ये स्टार्ट हो गया है। ये फिश है आपने? जी, हम लोग फिश परचेस करके लाए हैं मार्केट से, जो हमारी फिश है अभी इसको ओपन किया जाएगा। इसमें टेम्परेचर बराबर हो जाए इसलिए रखा है, टेम्परेचर के लिए रखा है कि बाहर से आएगी ना टेम्परेचर अलग है तो खाली पानी इधर टेम्परेचर देता। अच्छा, अभी हम लोग उसको धूप में ला रहे हैं, धूप से ला रहे हैं इसलिए टेम्परेचर इसका हाई होगा, अब यहाँ पर रह के टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। ये भैया क्या डालना? एंटी फंगस है ये, इसको डालने से जो है मछलियों के फंगस लगता है जैसे कि, तो फंगस नहीं लगता इसको डालने से। और मैंने नमक वैसे डाल दिया है लेकिन फिर भी ये ज़रूरी होता है, और इसको बस एक ढक्कन डालना है 4 फीट पूरा भर के। ये एंटी फंगस डाल दिया पानी वाले में, मछलियों को फंगस फंगस नहीं होता है, काफ़ी सही चीज़ है। अब डालें मछलियों को आज़ाद करने हैं, फिर पत्थर डालेंगे धीरे धीरे करके, सस्पेक्ट करेंगे। और इसकी तो गारंटी या वारंटी जो होती है चाइनीज, और चाइनीज तो जानते हैं चले तो शाम तक बनना भी भूल जाए। और इसका प्राइस क्या है? 1500 उसका पड़ा, 1500। अब क्या इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, रिलीज़ करने जा रहे हैं? 15 मिनट तो हो ही गया सर, 15 मिनट हो गया नहीं, अब इसको रिलीज़ करना है हम लोग को पानी में। ये अपनी फाइटर थी, वैसे तो ये अकेले रहती है पर इसका जो पेयर होता है ये अपने पेयर के साथ कभी नहीं रह सकती, हालांकि ये गोल्ड ओल्ड के साथ रह लेती है। और मैंने पाल रखा था, मैं फिर भी डालने जा रहा हूँ, अगर ये कोई दिक्कत करती तो मैं इसको अकेले कर दूँगा, फिलहाल ये करेगी नहीं, 99% चांसेस ये कुछ नहीं करेगी। और उसको फाइटर फिश भी कहते हैं, इसको बीटा फिश भी कहते हैं, और ये कई कलर में आती है और हर कलर का रेट अलग अलग होता है। अपने शॉपकीपर ने दिखाया था अलग अलग रेट, पर आप लोगों को क्या इसने विंग्स वाली पसंद आई थी ना? ये शार्क है, ये गोल्ड है, और ये वाइट शार्क है वो ब्लैक वाली है, और ये क्रोकोडाइल है। और पता है सबसे बड़ी बात मामी ये होती है ना कि ये जो मछलियाँ होती छोटे पे रखेंगी तो हमेशा ये ज़्यादा देर तक टिकने की चांस होती, बड़ी लाएंगे तो दिक्कत होती इनको बचने में, वैसे तो इनकी हालत ख़राब है क्योंकि 1.5 घंटे बाद आई सफर करके। मछलियों को ओवर फीडिंग कभी नहीं करानी चाहिए, मछलियों कभी भी आप डालिए तो इतना डालिए कि ये पूरा खा ले, और ज़्यादा ये तो वैसे हफ्सी टाइप की होती तो खाती चली जाती जिसकी वजह से ये मर सकती हैं, क्योंकि ये, और आप ध्यान रखिए अगर कमरे के अंदर है तो आपका ये जो एयर फिल्टर और पंप है बराबर चलना चाहिए। कितने का कलर किया? 1 घंटे की मेहनत के बाद ये पूरा एक्वेरियम मेरा तैयार हो गया है, देखिए लाइट वाइट सब लग गई, टेप वेप सब लग गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब। हम लोगों ने यहाँ पे फिल्टर भी लगा दिया, ऑक्सीजन देखिए चल रहा है, फिश देखिए सारी फिश गजब गजब की तैर रही है।